नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बेरोजगारी एक ऐसा कलंक जो बिहार के दामन को मैला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हालांकि बिहार के दामन पर लगे इस दाग को हटाने में भले ही बिहार की नीतीश सरकार लगी हो, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। लेकिन अब इन सबके बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिहार के कई जिलों में बंद पड़ी चीनी मिलों के जमीन का उपयोग अब नए उद्योग को लगाने के लिए होने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से किए गए खास पहल के बाद अब बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के जमीन का उपयोग कपड़ा मिल खोलने के लिए होने वाला है। हाल ही में बंद पड़ी चीनी मिलों की 2800 एकड़ जमीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। शाहनवाज हुसैन की माने तो ट्रांसफर की गई जमीन में से 1719 एकड़ जमीन मेगा टेक्सटाइल पार्क में मिल गई है। लॉजिस्टिक पार्क में लगभग 1700 एकड़ से ज्यादा जमीन मिल गई है। मधेपुरा में 173 एकड़ जमीन ऑफर हुई है। खगड़िया में 100 एकड़ जमीन ऑफर हुई है। शाहनवाज हुसैन की माने तो हमारे पास पर्याप्त जमीन है। हमारा इरादा है कि बिहार आने वाली टेक्सटाइल कंपनियों को प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ जमीन या जगह उपलब्ध करवाए ताकि उद्योग की स्थापना तेज गति से हो। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रशिक्षित श्रम शक्ति है। तिरुपुर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के तमाम टेक्सटाइल कंपनियों में ज्यादातर कुशल या अर्धकुशल कामगार बिहार के ही है। इसीलिए बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग की सफलता की गारंटी सबसे ज्यादा है। ऐसे में भी इस सेक्टर में कम पूंजी में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। मंत्री जी की माने तो पॉलिसी के जरिए प्रोत्साहित करने के अलावा हम देश भर के उद्योगपतियों को बिहार आने पर रेड कार्पेट वेलकम भी देंगे। उन्होंने कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत काम कर रहे हैं। हमने महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि घंटों में जमीन आवंटन से लेकर अन्य कई तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी कर ली है। हमारा उद्योग विभाग भी दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर ठान लिया है कि बिहार में उद्योग और रोजगार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा औद्योगिक बिहार देखना चाहते हैं, वो हकीकत में तब्दील होगा। जिसके बाद से ही अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में आने वाले समय में रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इस राज्य में उद्योग के द्वार खुलना मतलब अवसरों के द्वार का खुलना है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में नौकरी की समस्या कम से कम लोगों की खत्म होगी और पलायन पर भी पूर्ण विराम लगेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।